दोस्तों नमस्कार, मंजेश हूँ मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं वो अपने स्टूडियो में लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बाबा है उस बाबा के कारनामों का चिट्ठा खोलने के लिए कि बाबा कैसे भविष्यवाणी करता है, किस तरह से वो प्रचार निकालता है भक्तों को लेकर के, उसका पर्दाफाश करने के लिए हमारे मीडिया चैनलों में एक मैजिशियन जिसका नाम है सुहानी शाह, इस लड़की को बैठा करके लाइव शो कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई भविष्यवाणी या कोई शक्ति से प्रदर्शन नहीं करते हैं बल्कि उसके पीछे एक मैजिक है। इस शो के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि कोई बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है बल्कि बाबा एक मैजिक करते हैं, उस मैजिक के जरिए ही बाबा लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों के पीछे ये हवाला दिया जाता है कि मीडिया चैनल के लोग चाहते हैं कि देश से अंधविश्वास खत्म हो, पाखंड खत्म हो, और इस चीज को लेकर के हमारे जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग हैं वो लगातार इन मीडिया चैनलों के वीडियो को, सुहानी शाह के वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बाबा जो है वो मैजिक करता है, बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कि वो मीडिया चैनल के लोग सुबह सुबह राशिफल बताने का काम करते हैं, अपने चैनल पे 3-4 पुरोहित बैठा करके आपकी ग्रह और राशि बताने का काम करते हैं, आपको कहते हैं कि ये चीज खाइए तो ये भला होगा, ये चीज पहनिए तो ये पाप कटेगा, ये कष्ट कटेगा, वो लोग किस तरह से पाखंड खत्म करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने वाले लोग हमारे देश से चाहते हैं कि पाखंड खत्म हो? यहाँ पे बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं दरअसल इन कार्यक्रमों के जरिए मीडिया चैनल के लोग पाखंड नहीं खत्म करना चाहते हैं बल्कि एक पाखंड के बदले में दूसरा पाखंड खड़ा कर रहे हैं। सुहानी शाह करती क्या है? सुहानी शाह भी मैजिक करती है, वो हाथों का कमाल है, उसके हाथों का कमाल करके वो लोगों को मूर्ख बना रही है। वो खुद कहती है कि मैं मैजिक कर रही हूं, लेकिन मैजिक की हमें जरूरत ही क्या है, हमको लॉजिक चाहिए। कोई चीज घट रही है, कोई अगर वर्क हो रहा है तो उसके पीछे मैजिक नहीं बल्कि एक लॉजिक होता है। हजारों साल पहले हमारे ही देश के एक महान संत तथागत गौतम बुद्ध ये कह करके गए हैं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई घटना अगर घट रही है तो उसके पीछे कारण होता है, कोई एक साइंटिफिक रीजन होता है, तो हमको उसके पीछे भागना चाहिए, ना कि मैजिक के पीछे भागना चाहिए। तो ये मीडिया चैनल के लोग एक पाखंड के बदले में दूसरा पाखंड आपको परोस रहे हैं। मीडिया कभी नहीं चाहेगी कि पाखंड खत्म हो। जो मीडिया चैनल के लोग हर रोज लोगों के दिमाग में पाखंड भरने का काम करते हैं, इनके शोज देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इनके शो देखिए रात में 10 बजे के बाद, तमाम भूत प्रेत की कहानियां ये बताते हैं, किसी चमत्कार की कहानी बताते हैं, कहीं पे भगवान जो है शिव अवतार ले रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं कोई और देवी पैदा हो रही है, कहीं कोई और दिव्य शक्ति हो रही है, वो कैसे पाखंड खत्म करना चाहती है? तो ये मूर्खता छोड़िए, इसको फैलाना बंद करिए। ये मीडिया चैनल के लोग ढोंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मीडिया चैनल के लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो इनके पीछे जरूर कोई ना कोई एक बहुत बड़ा न्यूज छुपाया जाता है। किसी खबर को दबाने के लिए एक झूठा खबर चलाया जाता है, इस खबर के पीछे जरूर कोई ना कोई वाजिब खबर छुपाई जा रही है हमसे। हमको बताया जाता है ना, जो खबर हमको दिखाया जाता है दरअसल वो खबर खबर नहीं होता है बल्कि जो खबर हमसे छुपाया जाता है वो खबर होती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये मूर्खता छोड़िए और हमको मैजिक के पीछे नहीं, हमको दिव्य शक्ति के पीछे नहीं, किसी शक्ति किसी बाबा के पीछे नहीं बल्कि लॉजिक के पीछे भागने की जरूरत है।